तो आप लोगों से मैं एक राय पूछना चाहता हूँ, क्या मुझे भी ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए या नहीं। तो ज़्यादातर मैं पहले ऑप्शन बाइंग करता था, उसमें लॉस होता रहा, इसलिए मैं उससे एग्जिट कर कर फिर इक्विटी में ट्रेडिंग शुरू किया। इक्विटी में थोड़े दिन मैं लॉस में रहा, लेकिन उसके बाद मैं प्रॉफिट में, एक लेवल के बाद मैं प्रॉफिट में आने लगा। तो उसके बाद मैंने इक्विटी को भी जारी रखा। अब थोड़ा प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, तो ऑप्शन सेलिंग का भी थोड़ा ट्राई कर कर देख लिया जाए, इसलिए मैंने आज ऑप्शन सेलिंग की थी। लेकिन यहाँ पर आज बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एक्सपायरी कल है और ये जीरो होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर बैठा रहा होल्ड करके। और ये लॉस मेरा 1000 को टच कर गया था, लेकिन फिर 700 या 800 के लगभग का कुछ मैंने इसमें लॉस बुक किया है। तो मार्केट में हमें हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम कितनी भी छोटी गलती करें, उसकी हमें कीमत यहाँ पर पैसे देकर ही सब कुछ, मार्केट को पैसे देकर ही सब कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम किसी का कोर्स भी करते हैं, फिर भी हमारा थोड़ा माइंडसेट, हमें कब पोजीशन से एग्जिट होना है, अगर हमारे एक ऑर्डर भी थोड़ी गलत लग गई, तब भी हमें बड़ा लॉस होता है। तो यही थोड़ा मैंने आज क्या किया था, इसको मैंने सेल किया था और होल्ड कर कर बैठ गया कि लास्ट में ये जीरो होगा। और फिर मैंने देखा तो वहाँ पर कल एक्सपायरी थी, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है और ये ज़्यादातर गुरुवार को ही होती है, और जो बुधवार को हम वीकली होती है। तो मुझे ऐसा ही लगा कि आज वीकली एक्सपायरी, और इसलिए मैंने इस पोजिशन को होल्ड रखा और 721 का मुझे यहाँ पर लॉस ही बुक करना पड़ा। तो आज की वीडियो में, आज तो इक्विटी में कुछ ट्रिगर नहीं था, टोरेंटो फार्मा था, लेकिन उसमें वॉल्यूम ज़्यादा रहने की वजह से उसको भी मैंने अवॉइड किया। तो कमेंट करके आप मुझे बताइए कि मुझे ऑप्शन सेलिंग का ये करनी चाहिए या इक्विटी में ही मैं अच्छा खासा प्रॉफिटेबल रहता हूँ, तो इक्विटी में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए मुझे।